महोबा जिले में विजिलेंस टीम और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अवैध तरीके से चल रहे विद्युत कनेक्शनों पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान लगभग आधा दर्जन बकायेदारों को चोरी करते पाया गया है। फिलहाल बिजली चोरी पर विद्युत विभाग ने संगीन धाराओं में सदर कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। महोबा टाउन में ओटीएस की प्रगति अत्यंत धीमी होने की वजह से हम लोग मॉर्निंग रेड्स की तहत सुबह सघन अभियान चला करके सारे कनेक्शंस चेक कर रहे हैं। अगर किसी का बकायादारी है और वो फिर से कनेक्शन जोड़ा है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है, अलग से कटिया डाला है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। शासन ने 100% ब्याज में छूट दे रखी है। सभी लोगों से अपील है कि अपना बिल अगर गलत है किसी तरह से सही करा लें, ब्याज में पूरी छूट ले लें और ये इंश्योर कर ले कि अब कोई भी कनेक्शन बकायेदारी पे नहीं चलने पाएगा, ये हर आदमी जान। ये सब लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि अगर कोई कंप्लेन है, किसी तरह की कोई शिकायत है तो कीरा सागर पहुंच करके अपनी समस्या का निदान कराए, लेकिन बकायेदारी पे कनेक्शन ना चल। काउंटिंग अभी चल रही है, 3-4 डायरेक्ट कनेक्शन पकड़े गए हैं जो कि अलग से केबिल डालकर चल रहे थे। बकायेदारी पे भी कई कनेक्शन जो पूर्व में काटे गए थे जुड़े पाए गए, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। सबसे बस सुबह मॉर्निंग रेड में ये है, कहने का उद्देश्य है कि अगर आप सोते भी रहोगे हम रात 12 बजे भी चेक कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग चोरी से दूर रहें और अपना पैसा बिजली का सा समय जमा करें। आज लगभग 25 लाख से ऊपर के बकायेदारी पे कनेक्शन काटे गए हैं। कोर्ट में आज चेकिंग की गई, मॉर्निंग चेकिंग, इसमें शिकायत प्राप्त हो रही थी कि रात में लोग कटिया डाल दे रहे हैं और दिन में हटा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने रात में चेकिंग की है। इसमें कई जगह ऐसा पाया गया, चोरी पकड़ी गई है, उसकी FIR दर्ज की जाएगी। 5 घरों में करीब मिली है, उनके खिलाफ FIR और कराई जा रही है, उनके खिलाफ भी धारा 138 में FIR की जाएगी। इसको विजिलेंस टीम की सहयोग के साथ में सही टीम ने